कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज दीप प्रज्वलन में आएंगे श्री राजीव जैन, जितेंद्र जी जैन सपत्नीक यहाँ पर आए लखनऊ से, और आज के दीप का प्रज्वलन आप लोग करिए। चलो राजीव जी और जितेंद्र जैन आज का दीप प्रज्वलित करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात्, ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात्, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। उनके 72वें संयम दिवस की जय। 72वें संयम दिवस के उपलक्ष में ये 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 10 दिन तक आपने सहस नाम के 100-100 मंत्रों की आराधना की। अब आज यहाँ पर जो कल से पुनः प्रारंभ हुआ है 30-24 के मंत्र, कल हमने जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के भूतकालीन 24 तीर्थंकरों की आराधना कराई, जो प्रथम 24 के नाम से हैं। आप द्वितीय 24 हैं, जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर। प्रारंभ करते हैं। जब लो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री शबदेव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्यनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नमिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये 2400 तीर्थंकरों के नाम स्मरण आप सबने किए हैं। अब हम चलते हैं कि आज सन 1963 के चातुर्मास की ओर, जो पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का 11वां चातुर्मास रहा है, वहाँ के जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए आप सभी अर्घ चढ़ाएंगी, तो कोलकाता से हमें बहुत ही उत्साह के साथ में मुख्य सहयोगी श्रीमती अनीता जैन बेलगछिया, जो प्रतिदिन जूम चैनल पारस चैनल में उपस्थित रहती हैं। सन 1963 में पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी ने बेलगछिया मंदिर में ही चातुर्मास किया था, और शहर के मंदिर में भी आकर के वहाँ 2 मास तक निवास किया। बताया हमें कि कलकत्ता के अंदर लगभग 100 जिन मंदिर हैं, बहुत ही बड़ी बात है। जैसे दिल्ली है, ऐसे कलकत्ता भी महानगरी है, वहाँ 100 दिगंबर जैन मंदिर हैं, किंतु हमें 5 जिन मंदिरों की जानकारी प्राप्त हुई है। संघस्थ ब्रह्मचारी इंदु जैन ने वहाँ से संपर्क किया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया का मंदिर है, सबसे पहले आप सब उसके दर्शन कीजिए, दर्शन कराएं। ये बेलगछिया का मंदिर है।
आपने बेलगछिया के जिन मंदिर का दर्शन किया, पुनः पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुरानी वाड़ी मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ जी मूल नायक हैं। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नया मंदिर क्या है चिलपुर, यहाँ आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। चंदा प्रभु भगवान का समोसरण भी यहाँ पर बना हुआ है। और चौथे नंबर पर श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जो कलकत्ता शहर में है, वहाँ 5 वेदियाँ हैं, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की और नेमिनाथ भगवान की। यहाँ कुल 151 प्रतिमाएँ इस मंदिर जी के अंदर विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर लोग चांदी के बर्तनों से हमेशा पूजा करते हैं, हमने भी वहाँ के दृश्य देखे हैं। नंबर 5 पर सुमतिनाथ चैत्यालय, जहाँ एगारिका माता जी भी विराजमान हैं और ये आर्ष परंपरा का चैत्यालय है। यहाँ बताया कि महिलाएं भी अभिषेक करती हैं और पंथवाद का भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से हमें आज बेलगछिया मंदिर से श्रीमती अनीता जैन और सभी वहाँ पर चुनरी की साड़ी में बैठ करके पूज्य माता जी को अर्घ चढ़ाने के लिए तत्पर हैं श्रीमती रेणु जैन एवं बेलगछिया महिला मंडल तथा समाज के अन्य श्रावक श्राविकाएं भी वहां पर उपस्थित हैं। पुरानी वाड़ी मंदिर से श्री पवन जी ठोलिया, जय श्री ठोलिया, आशा ठोलिया, कुसुम पहाड़िया, उषा पाटनी, नीलम बोहरा। नया मंदिर से श्रीमती सुधा जैन एवं श्रावक श्राविकाएं वहां पर उपस्थित हैं। बड़ा मंदिर से श्रीमती सरला पाटनी एवं समस्त महिला मंडल उपस्थित हैं। सुमतिनाथ चैत्यालय से श्रीमती पूनम पाटनी एवं दीपक पाटनी भी वहाँ उपस्थित हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब आप सब लोग मिल करके अर्घ चढ़ाइएगा, उसके बाद अभी गणी ज्ञानमती माता जी के संस्मरणों को भी आप सब लोगों को सुनना है। अर्घ हाथ में ले लें और जो भी मंदिर कलकत्ता के कहे गए हैं उन सब के लिए अर्घ चढ़ाएंगे।
सम्मेद शिखर यात्रा निमित्त श्री ज्ञानमती माता जी चली, शिव सागर जी की आज्ञा ले आरिका संघ के साथ चली। यद्यपि इस ज्ञान पुंज के संग से जाने का सबको ही दुख था, पर आरिका संघ की यात्रा से हर नगर हुआ आनंदित था। सन 1963 सम्मेद शिखर पहुंची वंदना किया, फिर कलकत्ता के आग्रह से 10 दिन में रास्ता पार किया। 11वां वर्षा योग वहाँ का खूब प्रभाव ना पूर्ण रहा, ऐसे ज्ञानी साधु को पा सबने शंकाएं दूर किया। हर भक्त वहाँ का कहता क्या अकलंक देव फिर आए हैं, हर प्रश्न के उत्तर आगम के आधार से हमने पाए हैं। एक प्यारे लाल भगत जी थे, वे बहुत प्रशंसा करते थे, हर वक्त इन्हें शास्त्रों को पढ़ाते देख अचंभित होते थे। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम रिम। चूंकि सम्मेद शिखर यात्रा के लिए निकली थी तो पहले सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के लिए भी अर्घ चढ़ा लीजिएगा। ओम रिम। सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र अर्घ्यम निरपामीति। ओम रिम। एकादशम वर्षा योग स्थल कलकत्ता महानगर से बेलगछिया जिन मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम रिम। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुरानी वाड़ी मंदिर में स्थित भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम रिम। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन नया मंदिर चिलपुर में विराजमान श्री आदिनाथ भगवान सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरपामीति। ओम रिम। श्री चंद्र प्रभु जिन समोसरणाय अर्घ्यम निरपामीति। ओम रिम। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जहाँ 5 वेदी हैं श्री आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी शांतिनाथ जी नेमिनाथ भगवान सहित समस्त 151 प्रतिमाओं के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति। ओम रिम। समोसरण मंडित समोसरण विभूति मंडित श्री भगवान महावीर जिनेन्द्र है अर्घ्यम निरपामीति। और यहाँ पर स्वाध्याय भवन में ओम रिम। स्वाध्याय भवन में विराजमान समस्त ग्रंथिभ्या अर्घ्यम निरपामीति। ओम रिम। श्री सुमतिनाथ चैत्यालय में स्थित समस्त जिन प्रतिमाएं प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निरपामीति। इस प्रकार से आप सबने अर्घ्य चढ़ा लिया। आप गणी ज्ञानमती माते के श्री चरणों में कलकत्ता के सभी मंदिरों से लोग अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और अपने अपने घरों में बैठे दूर दराज से भी बैठे हुए सभी भक्तगण पूज्य माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रिम। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कलकत्ता में 11वां चातुर्मास अपना स्थापित करने वाली ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में कलकत्ता जैन समाज की ओर से एवं समस्त भारत की जैन समाज की ओर से तथा शाश्वत अयोध्या में बैठे हुए समस्त भक्तों की तरफ से अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वंदामि माता जी। जय लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, हमने परसों 26 तारीख के दिन आपको एक पहेली दी थी, वाक्य मिलाओ उत्तर पाओ। इसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग पहेली के उत्तर भर करके भेजते हैं, इसमें भी भेजे, लगभग सबके सही उत्तर थे, कुछ गलत भी थे। सही उत्तर वालों में से ड्रा निकाला गया नेहा जैन जरवल रोड उत्तर प्रदेश, ये आपकी सौभाग्यशाली विजेता है। नेहा जैन को शाश्वत तीर्थ अयोध्या से
आपको भगवान ऋषभदेव के रत्नों के श्री चरण प्रेषित किए जाएंगे, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं जल्दी कल पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी का 35वां आरिका दीक्षा दिवस था। इसके अवसर पर एक ज्ञान ध्वजा फहराओ ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। चूंकि कल जो जनरल सेशन होता है वो संपन्न नहीं हुआ था, पूजा का कार्यक्रम हुआ था, तो ये ज्ञान ध्वजा फहराओ प्रतियोगिता आज आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है। आप इसको देखिएगा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसके माध्यम से आपको पूज्य चंदनामती माता जी के जीवन से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। उनको आप बॉक्स में जो कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, या तो आपको अंकों में या अक्षर में उत्तर देना है, इसको आप भर करके भेजिएगा। पूरा समय आपके पास है, आज से लेकर के कल तक आप इसको भरिए, हमारे पास भेजिए। परसों इस पहेली का ड्रॉ निकाला जाएगा और विशेष चूंकि ये अवसर है इसलिए 11 ड्रॉ यानी कि 11 विजेताओं को यहाँ से बहुत सुंदर पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस ज्ञान ध्वजा फहराओ प्रतियोगिता में परम प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन कलकत्ता नगरी में चातुर्मास के संस्मरण आप पूज्य माता जी के ही मुखारविंद से श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्धे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदाय थे। भव्यात्मा, जब मैं समय शिखर पहुंची हूँ, समय शिखर की यात्रा उस समय ब्रह्मचारी से सुगंधन जैन जो वृद्ध थे, संख्या ब्रह्मचारी थे और उनके साथ प्रकाश चंद थे जो हमारे गृहस्थाश्रम के लघु भ्राता थे, वो भी आ गए थे बीच में। और यात्रा कुमारी मनोवती, ब्रह्मचारिणी गलकुबाई, ब्रह्मचारिणी मुंडीबाई आदि कई महिलाएं थीं। यात्रा सकुशल नेहरू में संपन्न हुई, वहाँ पहुँचे और समय शिखर की वंदना आदि गर्मी में किया। उस समय हम सब आरिकाएँ पैदल ही चलते थे, डोली और बेटियर का प्रयोग तो कोई सवाल ही नहीं था। समय शिखर की यात्रा के बाद कलकत्ते वाले लोग आ गए और उन लोगों का आग्रह था कि माता जी प्रवचन, सैद्धांतिक प्रवचन आदि बहुत अच्छे सुनाती हैं, इसलिए इनका चातुर्मास हमारे यहाँ होना चाहिए। मैंने कहा भाई आचार्य शिवसार जी महाराज की आज्ञा के अनुसार जो होगा, और वो वहाँ पहुँच गए। आचार्य श्री ने आज्ञा दे दी, तुम्हें कलकत्ता चातुर्मास करना है, वहाँ के लोग सैद्धांतिक प्रवचन चाहते हैं, आपका प्रवचन चाहते हैं। अब मैं 9-10 दिन में सब में शिखर से कलकत्ते पद विहार करते हुए हम सब वहाँ पहुँचे हैं और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ही प्रातः मंगल प्रवेश हुआ है और लोगों ने जो है खूब अच्छे ठाट बाट से जुलूस यात्रा आदि निकाली। अमरचंद जी और सीताराम पाटनी, चांदमल जी बड़जात्या आदि सब थे प्रमुख उस समय श्रेष्ठ होकर के, और उस समय के लोग प्रभावनापूर्वक हमें वहाँ ले गए और बेल के छियामी चातुर्मास स्थापना कराई। चुकी शहर में मंदिर में ठहरने की उसमें कोई व्यवस्था सुविधा नहीं थी संघ के लिए, आरिका संघ के लिए, वहाँ बेल के छियामी ठहराया गया और वहाँ मंदिर में प्रारंभ में ही उसी दिन से कुछ पंथवाद की चर्चा चल गई। वो कारण क्या हुआ कि लोग जो नागौर के थे और नाडनू सुजानगढ़ आदि के पुराने लोग, वो लोग जो है 20 पंथ परम्परा के कुछ कट्टर भक्त थे और उन लोगों ने संघ की जो प्रतिमा विराजमान थी आचार्य श्री श्री शार जी महाराज ने जो ब्रह्मचारी सूरजमल से कहकर संघ में विराजमान कराई थी, संघ की प्रतिमा को ब्रह्मचारिणियाँ संघ की हमारी जो अभिषेक करती रहती थी 55 अभिषेक। आचार्य महाराज का कहना था कि संघ में प्रतिमा इसलिए रखना आवश्यक है कि आज पंथवाद में हम लोग न उलझे, अपनी परम्परा के अनुसार हम लोग 55 अभिषेक देख कर ही आहार को उठते हैं, ये परम्परा अपनी चली आ रही है आचार्य संसार से लेकर आज तक। तो संघ में प्रतिमा जी थी और उनका अभिषेक रात में उन लोगों ने रात में आकर के और 9-10 बजे चातुर्मास स्थापना वर्षा की स्थापना के पहले 9-10 बजे रात में बराबर 55 अभिषेक प्रतिमा जी का कर दिया। अब शुरू में ही वहाँ कुछ 13 पंथियों ने चर्चा उठा दी अगले दिन ही कि ये क्या रात में अभिषेक कैसे हुआ। तो वहाँ जी पंडित ब्रह्मचारी प्यारे लाल जी भगत कहलाते थे और कट्टर 13 पंथी माने जाते थे और थे भी, और ब्रह्मचारिणी चमेला भाई थी वहीं बेल के छिया में ही थे सब। तो उन्होंने कहा, प्रमाण दिया कि देखो भाई बात यह है कि आगम में शास्त्रों में तो रात में अभिषेक का वर्णन है, प्रमाण मिलते हैं, लेकिन निषेध का वर्णन कहीं नहीं है।
ये प्यारेलाल जी भगत जी ने कह दिया तो सब शांति हो गई, बहुत शांति हो गई और सब प्रभावना पूर्वक वर्षा युग चल रहा था। और उसमें जो है उन्होंने प्रमाण भी दिखा दिया देखो, और उन्होंने कह दिया देखो बात यह माता जी, मैं जो है कट्टर तेरापंथी प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ, लेकिन आगम की विचारधारा से मैं सहमत हूँ, समर्थक हूँ। अब भले ही हमारे को तेरापंथी का ठप्पा लगा हुआ है तो क्रियाएं हम नहीं करते हैं, अब से एकाधिक नहीं करते हैं। और उनकी जो ब्रह्मचारिणी चमेला बाई थी वो आकर के प्रतिदिन तैताले में अपने अभिषेक कर जाती, पंचावृत अभिषेक कर जाती और कहती देखो इसका कोई फोटो वगैरह नहीं प्रचारित करना, क्योंकि हम कट्टर तेरापंथी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, लेकिन हमको आगम पर श्रद्धा है और जहाँ बीज पंथ हम करते हैं। यही बात हमने सेठ भागचंद जी सोनी में पाई थी, उन्होंने भी कुंथलगिरी में मैंने देखा था चिलिकावस्था में, उन्होंने बराबर पंचावृत अभिषेक किया था और उनकी पत्नी ने भी किया था, धर्म पत्नी ने भी, और उन्होंने भी यही कहा था कि हम कट्टर तेरापंथी होते हुए भी और जहाँ जो परंपरा है हम उसके अनुसार अभिषेक कर लेते हैं, हम हमारा विरोध नहीं है क्योंकि आगम में वर्णित है। और वहाँ चतुर्मास चल रहा था, आनंद से प्रभावना से दोनों टाइम प्रवचन होता था, प्रातः एक घंटे प्रवचन, मध्यान्ह में एक घंटे दो घंटे प्रवचन, और दिन भर कोई ना कोई आकर शास्त्र की चर्चा भी क्या करते थे, अनेक प्रकार की चर्चाएँ होती रहती थी शास्त्र पर, आप शास्त्र के आलोक में हम प्रमाण भी दिया करते थे। इस प्रकार से एक तो पंथवाद की बात खत्म हो गई, शांति हो गई, चैताले में सब लोग अभिषेक करते ही थे आराम से आकर, खूब दूर से शांति धारा आदि करते थे, महाशांति धारा, बड़ी शांति धारा। और दूसरा विषय एक और आया याद में है कि वहाँ पर जो आज वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, ये उस समय ब्रह्मचारी की अवस्था में हमारे यहाँ वहाँ आए हुए थे, 8-10 दिन रहे थे, तो ये भी चर्चा किया करते थे कि माता जी हम मुनि बनना चाहते हैं, हमें दीक्षा लेना है, कहाँ लेना, तो हम आचार्य श्री शिवसार का नाम ले लिया करते थे क्योंकि उसी परंपरा में हम चल रहे थे। हम तो आचार्य वीरसार से दीक्षित थे, उनके शिष्य शिवसार जी को आचार्य पट हुआ था, तो और हम क्या कुछ नहीं कहते थे। खैर वो कुछ दिन वहाँ रहे, वो भी बराबर पंचावृत अभिषेक करते थे और बीज पंथ के तो थे ही थे, दक्षिण के थे, और बराबर आहार देते थे, नवधा भक्ति आदि करते थे, कोई बात ही नहीं थी उस समय तक, ये तो बाद में कुछ अंतर पड़ा है। और जो भी हो इस विषय में हम नहीं जाएंगे, इस संतवाद पंथवाद में नहीं जाएंगे। अब मैं बात आपको बताऊँ एक और संस्मरण, वहाँ पर हमारे गृहस्थाश्रम के लघु भ्राता कैलाश चंद जी पहुँच गए थे, और जो वो 8-10 दिन रहे, और पता नहीं क्यों मेरा कुछ स्वभाव ऐसा था, मैं कुछ बात ही नहीं करती थी उनसे, बोलती भी नहीं थी और उनकी तरफ नज़र उठा कर देखती भी नहीं थी, आशीर्वाद जरूर दे देती थी। 8-10 दिन निकल गए, जिस दिन जाने लग गए तो जोर जोर से रोने लग गए, कुछ मोह से भी और कुछ तो आकस्मिक हमारे संघर्ष दिनमती आरिका ने कहा कि अम्मा, वो अम्मा कहती थी अम्मा जरा कैलाश चंद की ओर देखो तो सही, रो रहा है, जा रहा है, आशीर्वाद दे दो दे दो, और वो दुखी है। तो हमने देखा तो बोले कैलाश चंद ने एक बात कही, बोले माता जी इस समय कुछ मैं हमारे घर में कुछ व्यापार की थोड़ी सी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अच्छी तरह से उन्नति पर कम है और हम आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने सहसा एक उन्हें कह दिया नमोकानंद की माला फेरते रहना, और एक संघ में चैताले में एक यंत्र था छोटा सा, वो रिद्धि विजय, आज भी हमें याद है, वो यंत्र उठाकर हमने उनको दे दिया, हमने कहा इसको रख लेना घर में आपसे पूजा करना। वो घर में लाए, माँ को दिया, माँ मोहिनी ने उसे माथे पर चढ़ाया भगवान से ऐसा मान करके, और ऊपर में एक कमरा था ऊपर में विराजमान कर दिया, और प्रतिदिन उसका अभिषेक भी करती थी, और जो है उसे बहुत सम्मान से उन्होंने विराजमान किया। आज वहीं पर चैताले है, वही उसी स्थान पर अभी हम ना जब टिकनगर चतुर्मास हुआ तो मैंने दर्शन किया कि वहीं चैताले बना हुआ है, भगवान भी विराजमान है, आचार्य विमर्श आदि ने वहाँ भगवान भी विराजमान करा दिए थे। खैर तो वो यंत्र दिया और मैंने कैलाश को उसे पंचानुव्रत दिए, और पंचानुव्रत का प्रभाव कुछ ऐसा रहा है उनके जीवन में, मैंने देखा है कि आज वो कैलाश चंद जी और उनके पूरे परिवार के उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि सब व्यापार आदि में कुशल और अच्छे दानी हैं, अच्छी तरह से खूब काम करते हैं, धर्म में आगे आते हैं, यह हमें गौरव है। और उसी यंत्र के प्रभाव से कहो, पंचानुव्रत के प्रभाव से कहो, मैं तो कहूँगी पंचानुव्रत का प्रभाव, कि आज दिन दोनी रात चौगनी बराबर उन्होंने उन्नति की है और बराबर सब धर्म में और दान में और पैसे में आगे होते हैं।
तो ये हमें गौरव है, प्रसन्नता है। तो दो संस्मरण विशेष रहे, एक तो पंथवाद का और दूसरा जो पंचमृत की महिमा का और उस यंत्र की महिमा का। ऐसे तो अनेकों संस्मरण है, वहाँ की प्रभावना अभूतपूर्व रही है। प्रतिदिन आहार के बाद लोग बाजा बजा बजा कर मंदिर लाते थे, आरती आदि करते थे, खूब कौतुक करते थे, खूब नाचते गाते थे, खूब भक्ति करते थे, और महिलाएं भी खूब, और अध्ययन भी हमने खूब कराया। वहाँ के बालकों ने, महिलाओं ने सब बैठ करके, प्रौढ़ लोगों ने बैठ करके अनेक प्रकार से ग्रंथों के अध्ययन भी किए हैं। तो बात यही है, पारस जैन बड़जाता की लड़के आदि और सब महिलाएं, पुरुष प्रौढ़ लोग सब अध्ययन कक्षा में बैठते थे और अध्ययन करते थे। तो बात यही है कि ऐसे संस्मरण तो बहुत हैं प्रभावनापूर्ण, जो कलकत्ते का चातुर्मास एक अभूतपूर्व रहा है उस समय। और वापस जब समय शिखर आई और समय शिखर आने के बाद हमारा आगे का समय शिखर की वंदना आदि करके मन प्रसन्न हुआ। तो बात यही है कि आज तो मैं कलकत्ते के सारे मंदिरों के जिन प्रतिमाओं की कोटि कोटि वंदना करते हुए और अनंत अनंत बार उन प्रतिमाओं को नमन करते हुए, और मैं जो है बेलगछिया के भगवंतों को नमन करते हुए शहर के मंदिर में भी एक महीना रही थी, वहाँ के सही भगवंतों को नमन करते हुए, और जो वहाँ छोटी बाड़ी आदि में जो मंदिर हैं उनके सबके भगवंतों को नमन करते हुए, नमस्तु करते हुए, और वहाँ की आज की जो समाज है, आज की समाज भी बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हमारे राजकुमार जी सेठी आदि, और हमें तो नाम किसी के याद नहीं है, बहुत सी महिलाएँ भी जुड़ी रही हैं हमेशा, हमारे चिरंजी लाल जी आदि और उनकी धर्मपत्नी आदि कैलाश कल्याण मल जी पाटनी आदि, बहुत से लोग जुड़े रहे हैं, बहुत कई वर्षों तो बराबर जुड़े रहे हैं और संग में आते जाते रहे हैं। तो बात यही है, कलकत्ते की दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद वहाँ के महिलाओं के लिए और वहाँ के सबके लिए, और जो जिन मंदिर का दर्शन करा रही खास करके उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप लोग शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आकर के यहाँ भी भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ लो, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। जय लो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे हमारे कलकत्ता के लोग, पुराने लोगों को तो माता जी याद करती हैं।